अब आगे आपको देखना है कि सिंटैक्स हमने बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इसमें एक चीज और होता है, अगर यहाँ हमने सब्जेक्ट को बताया था आई और ही शी इट जो भी था, 1, 2, 3 और 221 के फार्मूले को हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को बताया था, सपोज दैट हमने सब्जेक्ट का क्या किया था, अगर अपराध संबंधी कोई बात है तो 1, 2, 3 सब्जेक्ट का व्यवस्थित किया था, और अगर नॉर्मली हो तो क्या किया था, 231। ये तो क्या था, 231, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड और थर्ड, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ऐसा क्या था, ये था हमारा कैसा सब्जेक्ट के स्थान पे। सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट का स्थान आ जाए, किसका आ जाए, ऑब्जेक्ट, तो उसको भी इसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। बात समझ में आ रहा बेटा, ऑब्जेक्ट का स्थान, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है ना जी सर, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, क्या होता है, हिम, शी का, ठीक है, क्लियर है ना, यू का यू ही होता है, बी का अस, और दे का दे, तो इन सब का जैसे ये चीज आ जाए और इनका तकरार होने लगा, मतलब ऐसे साथ साथ आ जाए, तो उसको हमेशा कैसे बैठाना है आपको, इसी क्रम में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है, ये है ना, सेकंड पर्सन ये है ना, और थर्ड पर्सन ये है, ये है, ये है ना, फर्स्ट पर्सन ये भी तो है, आई भी दो तो होता है, आई और बी दो तो होता है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। तो अब इसका भी रूल्स लिखा है कि वैसे रहने, अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़े। चलिए लिखिए, यदि वाक्य में दो या, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक अधिक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज हुआ हो तो वाक्य में अपराध संबंधी बात कही गई हो तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। और साधारण बातों के लिए दो सौ इकतीस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला लिखो, हाँ वही रूल है, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है कि वो चीज सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट जैसे आपने व्यवस्थित किया था वैसे ऑब्जेक्ट यहाँ व्यवस्थित करना, ठीक है। अब अगला देखिए, अगर वाक्य, अगला रूल लिखो, अगर वाक्य लेट से शुरू होता है तो, अगर
वाक्य लेट से शुरू होता है तो लेट के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं लेट के बाद हमेशा, कहने का मतलब यह है कि लेट के बाद जो यहाँ पे प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा किसमें होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, देन अदर थिंग्स होंगी जो भी चीज होगा। ठीक है, देन अदर वर्ड जो भी वर्ड रहेगा। जैसे सपोज दैट हम इतना ही बोलते हैं, लेट मी गो टू माई हाउस, मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो। कहने मतलब लेट का यहाँ प्रयोग हुआ, तो लेट के बाद यहाँ पे आई नहीं होगा कि आई का प्रयोग हुआ, हमेशा क्या प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, लेट के बाद जो प्रयोग होगा क्या प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव। और पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट आई गो टू माई हाउस, तो जहां तक मैं समझता हूँ कि जब नहीं जानते रहोगे तो कहोगे आई गो टू माई हाउस, सही तो लिखा है, आई के साथ गो लिखा, गो में ऐसे ऐसे लगता नहीं है तो माई हाउस सही लिखा, क्यों सही है ना। तो आपको ध्यान देना है कि हमने बताया है कि लेट के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा ना कि सब्जेक्टिव केस, हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा ना कि सब्जेक्ट। समझ आ रहा है बेटा, आगे देखो, एवरी सॉरी आइदर ई आई टी एच ई आर आइदर डॉट डॉट और आइदर मिस होता है या तो, और मिस होता है या अथवा। ठीक है, आइदर और एन ई आई टी एच ई आर नाइदर डॉट डॉट नॉर, इसका मतलब होता है ना। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस, या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने, या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने मेरा बटुआ चुराया, तो इसका ट्रांसलेशन मतलब शुद्ध रूप से क्या होगा, या तो तुमने मेरा बटुआ चुराया है या तो तुम्हारी बहन ने मेरा बटुआ चुराया है, अगर पूर्ण रूप से देखा जाए। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जो, तो हम उसे जब बनाते हैं इंग्लिश में करते हैं तो हमें इसमें ये करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि या तो इंग्लिश में क्या लिखना है, आइदर, क्या लिखना है, आइदर ई आई टी एच ई आर आइदर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ जो डॉट डॉट है तो वहाँ पे रहेगा जो सब्जेक्ट हो, और से पहले, यानी और से या से पहले, तो या से पहले क्या ये है ना, और का मतलब क्या हो गया, या अथवा। ठीक है, तो यहाँ तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको इसकी इंग्लिश लिखना है। ठीक, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट जो है आपका, ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट यानी पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, ये, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर सिस्टर। तो रूल हमारा कह रहा है आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर के साथ जो भी सब्जेक्ट प्रयोग किया गया हो
ठीक है, जो भी सब्जेक्ट प्रयोग किया गया हो, जो भी सब्जेक्ट प्रयोग किया गया हो इसे क्या गया, ठीक है, वह हमेशा सॉरी उसका वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार की अनुसार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नहीं, रूल्स हमारा कह रहा है कि जो भी यानी आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर और दूसरा क्या है ईच, इसको रहेंगे इसको पीटे करेंगे आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर, ठीक है। इसके बाद जो भी नाउन प्रयोग होता है, ठीक है, चाहे प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, तो हमें पहले सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है, ठीक है, और उसी के अनुसार पूरा वाक्य परिवर्तन करना जो भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने, मेरा, एक मिनट चलो ठीक है, मेरा बटुआ चुराया, ठीक है, तो हमें दूसरे क्या होता है सब्जेक्ट के अनुसार तो चलना है, यानी पहले से सिर्फ हमें लिख तो देना लेकिन पहले से कोई मतलब नहीं है, दूसरे से मतलब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन ने मेरा बटुआ चुराया, तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारी बहन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे योर सिस्टर। अब देखिए चुराया है पास्ट और रिप्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार लगाएंगे, किसके अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हायर, ठीक। और चुराना किस होता है स्टील स्टोल और स्टील, ठीक है, और सॉरी स्टील स्टोल स्टोलन, स्टील स्टोल और स्टोलन, तो क्या हो जाएगा स्टोलन। और क्या चुराया मेरा बटवा यानी माई पर्स, समझ में आ रहा बेटा। तो यही रूल्स कहता है कि जब ऐसे वाक्य होते हैं तो हमेशा जो वर्ब प्रयोग किया जाता है या उसके आगे जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, हमेशा किसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, गेट इट, कोई डाउट है, बात समझ में आ रहा ना। दूसरा देखिए, अगर ईच, अगला रूल्स क्या है, ईच के साथ जो भी नाउन प्रयोग किया जाए, जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किया जाए, ईच के साथ जो भी नाउन एंड प्रोनाउन यूज किया जाए जाए ऑलवेज सिंगुलर में होता है, किसमें होता है, नहीं हमेशा किसमें होता है, एक वचन ही होता है, इच के साथ चाहे जो प्रयोग किया जाए हमेशा किसमें रहेगा एक वचन रहेगा, बहुवचन नहीं हो सकता, बात समझ में आ रहा, राइट नाउ।